तो आज की जो लेक्चर है इसमें मैं रिकॉर्डिंग लगा रहा जो आज की लेक्चर है इसमें मैं क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग और जो सेपरेबल प्रोग्रामिंग है जो सर ने लास्ट क्लास में कराई थी वो मैं डिस्कस कर लूँगा, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। चूंकि ये एग्जाम के पार्ट हैं और तकरीबन 40% जो क्वेश्चन होंगे फाइनल एग्जाम के इन्हीं दो टॉपिक से आएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन हैं तो एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग का होगा और एक सेपरेबल प्रोग्रामिंग का होगा, बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं वो इनसे पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं तो उनसे रिलेटेड हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, पहले क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग के कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं उसके बाद फिर सेपरेबल प्रोग्रामिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग में इसमें प्रॉब्लम वैसे ही होते हैं जैसे इन जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग के, इसमें एक बात यह है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमेशा क्वाड्रेटिक होती है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप सिंपल लैग्रैन्ज मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें फायदा है कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग की एक बनी बनाई सी एक फॉर्म हमें मिल गई जो सर ने ड्राइव की थी लास्ट, जो लास्ट क्लास है पहले वाली क्लास थी सेकेंड लास्ट क्लास, उसमें सर ने एक पूरा एक फॉर्म ड्राइव किया हुआ था, तो वो यूज करके डायरेक्टली हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फायदा बेसिकली ये है कि उस बनी बनाई सी फॉर्म को यूज करके हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमारे पास है मिनिमाइज मिनिमाइज करना है हमें 4x² प्लस y² माइनस 4xy प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1। ये एक फंक्शन है और यहाँ पे कंस्टेंट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे x और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस टाइप को प्रॉब्लम्स को करने करने के लिए सबसे पहले तो आप इसका हाफ टाइम्स एचसीएम निकालेंगे जो जिसको मैं क्यू का नाम दे रहा हूँ। तो क्यू बेसिकली है क्या, हाफ टाइम्स द एचसीएम, आप इसको एचसीएम निकाल के उसको हाफ कर लें या फिर डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4 और y² की कोफिशिएंट 1 और ये 4 माइनस 4 है तो या इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो -2 -2 हाफ टाइम एसियन इसको क्यू का नाम दे रहे हैं तो ये क्यू आ गया। तो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं, अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो उसकी मिनिमाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो पॉजिटिव डेफिनेट कैसे चेक करते थे, आप इसको सिल्वेस्टर क्राइटेरिया से चेक कर लें। तो सबसे पहले इसका जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर होगा 4 तो वो 4 के इक्वल है ग्रेटर देन 0 है, और जो सेकेंड प्रिंसिपल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो पूरे क्यू का ही डिटरमिनेंट है। तो क्यू का डिटरमिनेंट क्या होगा, 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हो गया, तो इसका मतलब इसकी मिनिमाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन में कुछ चीजें निकालनी पड़ती है, पहले तो ये क्यू निकालना पड़ता है, तो क्यू ऑलरेडी निकाल लिया मैंने, दूसरा ए निकालना पड़ता है। तो ए बेसिकली ए क्या, हमारे पास जो कंस्टेंट होती है, जो कंस्टेंट मेरे पास में यहाँ पे लिख रहा हूँ ये एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 था, तो ये जो कंस्टेंट है पॉजिटिविटी की जो दो कंस्टेंट थी उनके अलावा ये जो कंस्टेंट है, तो इसमें ये है कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर इसी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वो क्या आ जाएगी वो भी 1 आ जाएगा, तो ये जो रॉ मैट्रिक्स बन रही है वो बेसिकली ए होगा हमारा। और अब जो हमें फॉर्म बनानी होगी वो इस टाइप ही कुछ होगी, -2 टाइम्स क्यू और उसके बाद यहाँ पर -A ट्रांसपोज और यहाँ पे आई
और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी वो डिपेंड करता है कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0, ये 0 भी एक मैट्रिक्स है जो कि डिपेंड करता है कि कितने रोज आई के अंदर जो 2 है, तो ये भी 2x2 का ही बनेगा। सॉरी, 2x2 का नहीं बनेगा। अच्छा, ये एंड में एडजस्ट करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, तो जो बाकी सारी पहले वो लेते हैं। तो ये यहाँ पे ए, और इसके बाद यहाँ पे ये भी 0, और यहाँ पे ये भी 0 है, और यहाँ पे आई, और ये डिपेंड करता है कितने कंस्ट्रेंट हैं। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट है तो ये 1x1 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसको अभी मैं लिख लेता हूँ, -2 टाइम्स क्यू। क्यू हमारे पास क्या थी, क्यू को मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। तो क्यू हमारे पास थी 4, -2, -2 और 1। तो यहाँ पे -2 टाइम्स क्यू, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, तो ये -8 हो जाएगी, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगी 4, और यहाँ पे -2। और इसके बाद ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज ये 1 1 हो जाती है, और इसका मान के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 -1 आ जाती है। और इसके बाद यहाँ पे ए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगी सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और यहाँ पे जो आएगा 1 ही आ जाएगा, 1x1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 है। तो अब इसको एडजस्ट करनी है इसके जीरोस, तो यहाँ पे दो ए, इन दो रो एक ही कॉलम होगा ये 0x0 मैट्रिक्स का, और यहाँ पे 0 0 0, तो ये होगा। अच्छा, तो अच्छा ये, अच्छा मैंने ऊपर कंप्लीट फॉर्म में लिखी है, और यहाँ पे जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई जो होंगे वो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, जो इस केस में एक्स और वाई है, और इसके बाद एक वेक्टर कुछ वेरिएबल्स यू, जिसको U1 U2 U3 का नाम देते हैं, वो भी बताता हूँ वो कौन से वेरिएबल होंगे, और एक V1 V2 V3 होंगे, और एक S1 S2 S3 होंगे। तो हमारा जो केस है, हमारे केस में कंस्ट्रेंट, अच्छा मैं इसको कंस्ट्रेंट कह रहा हूँ, और ये जो दो हैं इनको पॉजिटिविटी, वेरिएबल की पॉजिटिविटी, तो ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो यू है, यू वो वाले, अच्छा बेसिकली यहाँ पे यू और वी जो है ना वो लेमडाज हैं। तो लैग्रांज में हम करते थे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये बेसिकली ये दोनों लैम्डाज ही हैं। बस मैंने यहाँ पे दो अलग अलग नोटेशन यूज कर रहा हूँ, जो यूज हैं वो इस टाइप के कंस्टेंट के लैम्डाज होंगे, और जो वी हैं वो इस पॉजिटिविटी के, जो पॉजिटिविटी को शो कर रहे होते हैं जो वेरिएबल, उनके लैम्डाज होंगे। तो इस केस में जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो दो ही हैं, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई आ जाएगा, और यहाँ पे यू, तो यहाँ पे कंस्टेंट हमारे पास कितनी है, एक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ U1, और यहाँ पे पॉजिटिविटी के दो हैं, तो यहाँ पे V1 V2, और यहाँ पे ये एस होती है स्लैक वेरिएबल, तो हमारे पास कंस्टेंट ये एक है, और ये लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखूँ, तो यहाँ पे x+y+s=10 हो जाएगी, तो ये एक ही स्लैक वेरिएबल आ जाएगा ये। अच्छा हाँ सही, और यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी वेक्टर आ जाएगा और बी वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे ये सी बेसिकली होती क्या है, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी, मैं ऊपर लेकर चलता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी, तो यहाँ पे ये जो लीनियर टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट्स बेसिकली सी के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जो सी बार मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 4 और वाई के कोफिशिएंट -2, तो सी बार हो गया। और बी बार जो है वो क्या हो जाएगी, कंस्टेंट की कांस्टेंट साइड, तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही 10 ही आ जाएगा, 1x1 का मैट्रिक्स होगा। तो इनको देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया तो 4 -2, और यहाँ पे 10 आ गई थी, तो ये हो गई। अच्छा अब इस पे सिंप्लेक्स, अच्छा यहाँ पे तीन और कंडीशंस हैं,
जैसे यहाँ पे जो इनइक्वालिटी वाले हैं वहां पे स्लैकनेस, लेग्रांज से आप लोगों को याद होगी कि वहां पे जब इनइक्वालिटी थे वहां पे स्लैकनेस की भी कंडीशन आती थी। तो यहाँ पे जो स्लैकनेस की कंडीशन होगी यू वन एस वन इक्वल्स टू जीरो और एक्स वी वन इक्वल्स टू जीरो और वाई वी टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये दोनों तो आपको ऑब्वियसली पता चलेंगे कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वहां पे क्या होता था कि लेमडा वन एक्स इक्वल्स टू जीरो और लेमडा टू एक्स लेमडा टू वाई इक्वल्स टू जीरो होती थी। और ये जो पहली वाली होती थी यहाँ पे ये होती थी कि अगर एक्स प्लस वाई माइनस टेन लेमडा टाइम्स दिस इक्वल टू जीरो। तो हमारे केस में ये वाली जो टर्म है एक्स प्लस वाई माइनस टेन इक्वल्स टू किसके इक्वल है, अच्छा इसको इस तरह लिखते टेन माइनस एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। तो बेसिकली यहाँ पे इसलिए एस वन इंटू यू इक्वल टू जीरो कर। तो ये भी सर ने ड्राइव की हुई थी तो मैं इसको ड्राइव नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इनको यूज कर रहा हूँ। अच्छा अगर इनकेस यहाँ पे दो कंस्टेंट होते जो यहाँ पे एक्स ये जो थी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू फाइव कोई दूसरा कंस्टेंट होता तो यहाँ पे एक और सिलेक्ट वेरिएबल एस टू आ जाता और एक वेरिएबल यू टू भी आ जाता, यू टू इंटू एस टू इक्वल्स टू जीरो तो वो भी आ जाती। तो इस केस में तो एक ही कंस्टेंट थी तो मैंने सिर्फ एक ही लिख लिया यहाँ पे। अब जो हमारा काम होगा वो वही सिंप्लेक्स मेथड हमें अब यूज करनी है। तो ये जो ऊपर टेबल है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस एट फोर माइनस वन वन जीरो जीरो और जो सेकेंड है फोर माइनस टू माइनस वन जीरो वन जीरो और यहाँ पे वन वन जीरो 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 यहाँ पे वन। अच्छा यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल है वी वन वी टू और यहाँ पे एस वन। अच्छा ये जो वेरिएबल्स हैं ये एक्स ये वाई है ये यू वन वी वन वी टू और ये लास्ट वाली है स्लैक वेरिएबल होती है। अच्छा यहाँ पे मैंने लास्ट वाली कॉलम नहीं लिखी वो राइट हैंड वैल्यू की जो कॉलम होती है वो इस केस में फोर माइनस टू और टेन है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी इसको सिंपली वही सिंप्लेक्स मेथड यूज करनी है लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी कि ये वाली जो तीन इक्वेशन मैंने लिखी हैं ये कहीं पे भी वॉलेट ना हो जाए। ऐसे सिंप्लेक्स मेथड यूज करनी है कि ये चीजें ये जो तीन कंडीशन ये वॉलेट ना हो, ये साथ में चलती जाए, इनमें कोई कंट्राडिक्शन ना आ जाए। तो आप लोगों को याद हो कि हम इस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरह करते थे। तो यहाँ पे ये माइनस टू आ रहा है तो यहाँ पे कॉलम्स में कौन सा चूज कर सकता हूँ, एक्स वाई और यू वन क्योंकि एन में ही नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स कॉलम चूज कर लूँ तो एक्स कॉलम चूज करें यहाँ पे मैं रेशियो सिक्स वाले कॉलम के निकाल लूँ तो यहाँ पे फोर डिवाइडेड बाई माइनस एट तो ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आप लोगों को याद होगा नेगेटिव हम लेते ही नहीं थे, माइनस टू और ये फोर है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे टेन और वन टेन डिवाइड बाई वन ये टेन ही रहेगा। तो यहाँ पे मतलब मैं पिवट कौन सा कर सकता हूँ, ये वाला एलिमेंट पिवट कर सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पिवट लेके आऊँ पिवट यहाँ पे करूँ तो ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक्स यहाँ पे आ गया कोई नॉन जीरो यहाँ पे आ रही है और वी वन यहाँ पे आ रहा है कोई नॉन जीरो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कोई नॉन जीरो की नॉन जीरो ही आएगा जो कि इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए मैं हम यहाँ पे पिवट नहीं कर सकते। अच्छा तो इसके बाद एक्स वाली कॉलम मतलब आप नहीं ले सकते, इसके बाद वाई वाली कॉलम को जब हम देखें तो यहाँ पे अगर हम फोर मैं फोर को ले लूँ, अच्छा यहाँ पे मैं रेशियो लिख लेता हूँ रेशियोज वाई वाले, अच्छा पहले यू वाले को देख लेते हैं यू वन, तो यू वन में ये माइनस वन फोर ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये माइनस टू माइनस वन ये क्या आ रहा है वन आ रहा है और टेन और ये टेन डिवाइड बाई जीरो ये भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे पिवट हम कौन सी ले सकते हैं, सिर्फ ये वाली ले सकते हैं, सॉरी
सिर्फ ये पिवट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये होगा कि अगर मैं यू वन यहाँ पे लेके आऊँ तो यहाँ पे जो मेरी वेरिएबल आएगी यहाँ पे यू वन आ जाएगा, और यू वन भी यहाँ पे नन जीरो, यहाँ पे एस वन भी नन जीरो होगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाली पिवट भी मैं नहीं ले सकता। तो मेरी जो लास्ट ऑप्शन होगी ये मैं वाई वाले कॉलम को ही, ये भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं अभी चेक करूंगा। अब मैं रेशोज ले लूँ वाई वाले कॉलम के, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 4 ये 1 आ रहा है, -2 डिवाइड बाई -2 ये भी 1 आ रहा है, 10 डिवाइड बाई 1 ये 10 आ रही है। तो इन में से जो मिनिमम है वो कौन सी है, वो आ रही है 1। तो इन दोनों रोज में से कोई सा भी एक चूज कर सकता हूँ। अगर मैं पहले रो को चूज कर लूँ तो मेरे पास जो पिवट होगी वो ये वाली होगी। तो अच्छा सही सही सही, अच्छा पहली बात अगर मैं यहाँ पे चूज कर लूँ, अच्छा यहीं पे चूज कर लूँ, तो यहाँ पे चूज करूँ तो यू वन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक मिनट, मैंने कॉलम ही गलत उठाया है, ये वाई वाली है, ये वाली एक पिवट हो सकती है और ये वाली पिवट हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे ये 4 चूज कर लूँ तो ये जो वी वन की जगह पे फिर क्या आएगा, वाई आ जाएगा, और वाई भी आ रहा है, वी टू भी आ रहा है, तो फिर से कंट्राडिक्शन आ जाएगी फ्लैटनेस में, तो ये भी मैं नहीं ले सकता, 4 नहीं ले सकता। इसका मतलब मुझे कौन सी पिवट लेनी पड़ेगी, 2। अब देखिए यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ पे वाई आ जाएगा इसकी जगह, इसकी वी टू की जगह, तो यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं आएगी। इसका मतलब मेरा जो पिवट एलिमेंट होगा वो -2 हो जाएगा, तो -2 पे मैं पिवटिंग करूंगा। अच्छा तो वी वन यहाँ पे हो गई, और वी टू की जगह पे वाई आ रहा है अब, और यहाँ पे एस वन, अच्छा तो अभी पिवटिंग करनी पड़ेगी जो वाई है, यहाँ पे पूरे रो को 2 -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे -2 आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगी, और यहाँ पे -1/2 आएगा, यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 2 0 ही रहेगा, और यहाँ पे ये 1 ही रहेगी। सही है, इसके बाद अब क्या करना है, इस -1 के थ्रू ये जो एलिमेंट है इसको भी 0 करनी है, और यहाँ पे इसको भी 0 करनी है। तो इसको कैसे 0 करेंगे, तो ये जो रो है यहाँ, इसको मैं 2 से, सॉरी 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करके वी वन में अगर सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये 4 0 हो जाएगी। तो ये पिवटिंग करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, यहाँ पे 0 0 -3 1 2 0 0 यहाँ पे आ गया, और इसके बाद यहाँ पे आ रही है 3 0 -1/2, ये 0 हो गई, ये हाफ हो गया, यहाँ पे 1, और ये 12 आ गए। तो अब देखिए अब यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आया, तो यहाँ से हमें अपनी जो सॉल्यूशन है, आंसर है, और यहाँ पे हमें मिल जाएगी कि एक्स यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि नॉन बेसिक है। और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई यहाँ पे, और वाई की वैल्यू ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारी पॉइंट होगी वो 0,1 हो जाएगी। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, तो अगर फंक्शन में पुट कर लें तो फंक्शन दोबारा में लिखना, अच्छा ऊपर ही लिख लेंगे, 0,1, वाई की वैल्यू 1 पुट करनी है। अच्छा ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये वाली भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा वाई की जगह, और यहाँ पे -2 आ जाएगा, पे +1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है।
अच्छा, इसमें आप एक दूसरे मेथड से भी देख सकते थे। इसी प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, उससे वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर वाकई यही है। तो मैं फंक्शन को दोबारा लिख लेता हूँ, 4x² + y² - 4xy + 4x - 2y और यहाँ पे +1। तो अगर इसको मैं इस तरह थोड़ा अरेंज कर लूँ, x² + y² + 1, अच्छा प्लस, और सॉरी यहाँ पे -4xy, यहाँ पे +4x, सॉरी -2y + 4x, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं तो इसको 2x² + y² + 1² + 2 × 2x, अच्छा यहाँ पे माइनस आ जाए, -y, यहाँ पे माइनस लिख लूं, और यहाँ पे +2 × −y (1) + 2 × 2x (1). तो ये अच्छा, ये किसके इक्वल है? ये बेसिकली इक्वल है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो कि a+b+c ओवर ऑल स्क्वायर, ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इसके इक्वल है। तो ये बेसिकली वही फॉर्म होगा, ये a² है, ये b² है, ये c² है, ये 2ab है, और ये 2bc है, ये 2c है। तो ये इक्वल किसके हो गई? 2x - y + 1 ऑल स्क्वायर। सबसे पहली बात, ये स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, तो इसके मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है। और जो 0 वैल्यू किस पे आ रही है, वो 0 वैल्यू तब आएगी जब 2x - y + 1 = 0 हो जाए। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2x + 1, तो वो सारी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर लें और जो हमारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर लें, वो बेसिकली सॉल्यूशन होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो पॉइंट हमारे पास आए थे 0, 1, ये इसको सेटिस्फाई करता है और ये कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह भी आप कंफर्म कर सकते हैं वाकई इसकी वैल्यू 0 ही आ रही है, मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ से मैं डायरेक्टली पता नहीं चल रहा कि माइनस भी आ रहे हैं प्लस भी आ रहे हैं। तो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर कोई फंक्शन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह। तो अच्छा, ये क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था जिसमें जो कंस्टेंट थी वो इनइक्वालिटी की थी। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसमें इक्वालिटी के कंस्टेंट हो, तो वो बहुत ही सिंपल है। तो दूसरा प्रॉब्लम लिख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसी प्रॉब्लम को ले लेते हैं और इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। 4x² + y² - 4xy + 4x - 2y + 1। इसी फंक्शन, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, बस यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी चेंज करेंगे, x + y वहां पे लेस देन इक्वल टू 10 था, यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू 10 कर लेंगे। और यहाँ पे वो जो पॉजिटिविटी के जो होते हैं वेरिएबल्स थे, कंस्टेंट थे, वो लेंगे नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे? तो जब भी आपके पास इक्वालिटी के कंस्टेंट हो गए, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे सबसे पहले तो वो क्यू निकालनी पड़ेगी, क्यू निकाल लेते हैं पहले। तो क्यू वही सेम वही रहेगा जो वहां पे निकली हुई थी, 4 1 - 2 - 2, और इसके बाद ए भी निकालनी पड़ेगी। तो ए अभी हमारे पास 1 1 है, और इसके बाद सी और बी भी निकालनी पड़ेगी। तो सी हमारे पास वही 4 - 2, क्योंकि क्वेश्चन वही है हमारे पास, 4 - 2 यहाँ से आ गया। इसके बाद बी कौन सी होगी, ये एक ही कंस्टेंट है तो एक ही वैल्यू इसके अंदर हो जाएगी। तो
अब जो मैट्रिक्स बनेगी, अब यहाँ पे वो जो वहाँ पे V1 और V2 और S1 जितने भी थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। S1 नहीं आएगा क्योंकि स्लैग लेस देन नहीं है, तो स्लैग वेरिएबल नहीं आएगा। V1 और V2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी के कंस्ट्रेंट नहीं है। तो बाकी बचे कौन से, X, Y और U, तो वही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे -2 × Q होती है, तो -8, यहाँ पे हो जाएगी 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2, और यहाँ पे -1 -1, क्योंकि यहाँ पे -(A)T था, और यहाँ पे ए था तो 1 1 हो गई, और यहाँ पे ये 0। और इसके बाद यहाँ पे V1 V2 और S1 ओमेट हो गए। दूसरी साइड इक्वेशन की थी वो कौन सी थी, C और B, तो 4 - 2 और 10 ये आ गए। अब आपको सिर्फ इस सिस्टम को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, और इसमें कम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस की कंडीशन भी नहीं होंगी। वो आपको पता है क्यों नहीं, क्योंकि कंस्ट्रेंट जो है हमारे इक्वलिटी के कैसे हैं, आपको लेग्रांज से ही पता है, जब इक्वलिटी के होंगे वहाँ पे सिलेक्टनेस कम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस की कंडीशन थी ही नहीं, तो वो नहीं होगी। बस सिंपली आपको इस सिस्टम को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो लीनियर अलजेब्रा यहाँ में, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्विच कर रहा हूँ R3 और R1 को। 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रही है, और यहाँ पे 10 आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, R13 कर दी, और यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 1 और ये 0 हो गई, यहाँ पे सॉरी -8 और यहाँ पे -1। तो ये आ गई यहाँ से। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आप कोई सी भी, अच्छा यहाँ पे मैंने भैया वैल्यू नहीं लिखी है, यहाँ पे 4 है, आप कोई सी भी वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली इन दोनों को जीरोस करनी है, तो यहाँ पे मैं R2 + 2 × R1 कर ला, तो यहाँ पे 1 1 ये 0 हो गए, ये 10 है, और यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस, अच्छा मैं एक काम करें, साथ दोनों को साथ ही 0 कर लेते हैं। R2 = R2 - 4 × R1, और R3 = R3 + 8 × R1, ये करेंगे दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो 0 आ जाएगा, अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, 4 × 1, यहाँ पे -6 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 ही रहेगी, और यहाँ पे ये हो जाएगी -42 आ जाएगा। 4 × 10 ये 40 हो जाएगी, वो -2 से माइनस करोगे तो -42 सही है, और यहाँ पे ये तो 0 आ जाएगी। 8 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और ऐड करेंगे तो 4 के साथ ये आ जाएगी 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 ही रहेगा, और यहाँ पे 4 + 80 = 84 ये आ गया। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब क्या करना है हमें, अच्छा 1 1 0 10, जीरो यहाँ पे 1 over -1 over 6 × R2 कर रहा, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगी, यहाँ पे 1 over 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगी, और यहाँ पे 0 12 - 1 और यहाँ पे 84, यहाँ पे 1। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पे भी दोनों को एक साथ 0 कर लेते हैं, ये जो 1 यहाँ पे आ रही है 12 वाली, दोनों को एक साथ 0 कर लेते हैं। R1 = R1 - R2 and R3 = R3 - 12 × R2,
यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो आ जाएगी, यहाँ पे -1/6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 माइनस, फिर 10 माइनस 1, ये 3 आ जाएगी, और यहाँ पे ये तो चाहिए वो 0 1 1/6, तो यहाँ पे 7, फिर 0 12 की जगह पे 0 आ जाएगा। अब 12 टाइम्स 1/6 ये हो जाएगी 2, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस 3 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 84 माइनस 84, 0 आ रही है। अच्छा इसके बाद इस -3 को 1 करना पड़ेगा, और इसे उन दोनों को 0 करेंगे तो ये ऑलरेडी 0, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 7 आ रही है, टू सॉरी x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 7 आ रही है। तो ये वो वैल्यूज हैं जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू दे रही है और कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो पहले मैंने इक्वेशन की कंडेंस फॉर्म लिखी थी, 2x - y + 1, तो इसमें भी मिनिमम वैल्यू देखते हैं, 0 भी आ रही है अपने जीरो के ग्रेटर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो ये 6 - 7 + 1 स्क्वायर, तो ये बेसिकली 0 ही आ रही है, और 7 + 3 ये इनका सम भी 10 के इक्वल आ रहा है। तो ये वो पॉइंट हो गए जो इक्वलिटी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे थे और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दे रहा था। तो जब भी इक्वलिटी कंस्ट्रेंट होगी, आप इसको सिंपली इस तरह मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो इनइक्वलिटी की हो गई तो कंप्लीमेंट्री सिलेक्टनेस भी आ जाएंगे, तो पिछला वाला जो मैंने प्रॉब्लम किया था उससे करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा सर ने वो जो लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, तो वो सर की वो लेक्चर भी अपलोडेड है, और वहाँ पे वो वाली एग्जांपल्स भी आप लोग देख सकते हैं। और मैं अभी दूसरा टॉपिक शुरू कर लेता हूँ, सेपरेबल प्रोग्रामिंग के कुछ प्रॉब्लम कर लेता हूँ। तो सेपरेबल प्रोग्रामिंग में यह होती थी कि यहाँ पे जो भी नॉन लीनियर टर्म्स होते थे उनको पहले लीनियराइज करना पड़ता था, उनको लीनियर फॉर्म में लेके आना पड़ता था, और उसके बाद उस पर सिंप्लेक्स मेथड लगानी पड़ती थी। तो इसका प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करना है x² + y को, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट मेरे पास x + y < 7 है, और यहाँ पे x < 5, और y की बाउंड क्या है, 0 to 3। अच्छा जब भी आप लोगों के पास सेपरेबल प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला काम जो करना होता है वो बाउंड्री निकालनी पड़ती है x और y की। तो ये मैंने एक सिंपल सी प्रॉब्लम ले ली कि यहाँ पे ऑलरेडी बाउंड आपको पता है कि 0 to 5 x की बाउंड है और 0 to 3 y की बाउंड है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें बाउंड पता नहीं होती, उसमें खुद निकालनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में ये सिंपल सी, यहाँ पे बाउंड्री आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें बाउंड्री आपको निकालनी पड़ेगी। तो अच्छा सबसे पहला काम तो ये बाउंड्री निकालना था, और जब भी बाउंड्री आपने निकाल लिया, इसके बाद जो दूसरा काम होगा, दूसरा ये होगा कि आपको नॉन लीनियर टर्म देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नॉन लीनियर ये x² आ रहा है, तो इसका मतलब आपको जो x वेरिएबल है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जो 0 to 5 इंटरवल है, इसको सब इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अमूमन ये होता है कि जब यहाँ पे कोई इवन इंटरवल बन रहे होते हैं तो हम वो लेते हैं। इनकेस अगर यहाँ पे 0 to अगर 6 होता, तो यहाँ पे मैं इंटरवल ले लेता 0 2 4 और 6 ले लेता। तो चूंकि यहाँ पे 0 to 6 नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑड बन रहे हैं, तो ऑड में अगर आप फ्रैक्शन में लेके आना चाह रहे हैं तो 5 / 4 कर लें तो 1.25 आ रहा है, तो 0 1.25 इस तरह ले सकते हैं, लेकिन मैं फ्रैक्शन भी यूज करना नहीं चाह रहा, तो मैं इंटरवल जो ले रहा हूँ, इंटरवल ये ले रहा हूँ कि
जीरो से शुरू हो रही है, उसके बाद टू थ्री फाइव, इंटरवल कोई भी ले सकते हैं क्योंकि इससे ये अप्रोक्सीमेशन होती है, तो कोई भी इंटरवल लेके सॉल्व कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन भी ले सकते हैं जैसे मैंने वहाँ कहा था, तो इवन होते तो सिंपल होता, जीरो अगर इनकेस यहाँ पे सिक्स होता तो जीरो टू फोर सिक्स ले लेता हूँ, तो वो इवन नहीं था तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और इसके बाद नेक्स्ट काम होता है एक्स स्क्वायर निकालनी पड़ती है, तो ये जीरो हो जाएगी या फोर हो जाएगी या नाइन हो जाएगी या 25 हो जाएगी। अच्छा ये हो गया, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना होता है, जी बनानी होती है कि जी किसके इक्वल है। अच्छा तो यहाँ पे जो मैंने वो लिखे ही नहीं लेमडा, तो यहाँ पे लेमडा नॉट, लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, तो यहाँ पे एक्स बेसिकली इक्वल किसके होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक्स इक्वल होगा लेमडा नॉट, सॉरी जीरो टाइम्स लेमडा नॉट प्लस टू टाइम्स लेमडा वन प्लस थ्री टाइम्स लेमडा टू प्लस फाइव टाइम्स लेमडा थ्री, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है किसके इक्वल होगी, जीरो टाइम्स लेमडा नॉट प्लस फोर टाइम्स लेमडा वन प्लस नाइन टाइम्स लेमडा टू प्लस 25 टाइम्स लेमडा थ्री। अच्छा ये जो कैसे आई है, कैसे हम लिख रहे हैं, ये पूरी सबने डेरिवेशन की है, तो मैं डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली एक्स और एक्स स्क्वायर को लीनियर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जो इसकी डेरिवेशन है वो सर ने कराई थी और वो वाली लेक्चर भी अपलोडेड है, तो अगर कोई डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है तो वो वहाँ से देख ले, मैं डायरेक्टली ये यूज़ कर रहा हूँ, ये रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो अब मेरे पास जो जी हो गई, जो नई मेरी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको अभी मैं लिख लूंगा कि मेरे पास जी किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है, जीरो टाइम्स लेमडा वन प्लस फोर टाइम्स, जीरो टाइम्स लेमडा नॉट प्लस फोर टाइम्स लेमडा वन प्लस नाइन टाइम्स लेमडा टू प्लस 25 टाइम्स लेमडा थ्री, और यहाँ पे प्लस वाई था, और जो कंस्टेंट है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू सेवन, तो एक्स मेरे पास जीरो टाइम्स लेमडा नॉट प्लस टू टाइम्स लेमडा वन प्लस थ्री टाइम्स लेमडा टू प्लस फाइव टाइम्स लेमडा थ्री प्लस वाई। अच्छा तो लेस देन इक्वल टू, मुझे इसको इक्वल में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल एस वन इक्वल्स टू सेवन, तो बेसिकली ये मेरे पास अब प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पे एक और कंडीशन, जो मैं लेमडाज यूज कर रहा होता हूँ, फिर समीशन आई इक्वल्स टू जीरो टू, यहाँ पे कितने थ्री है लेमडा आई इक्वल्स टू, इनका सम क्या होना चाहिए, हमेशा वन ही होनी चाहिए, लेमडा नॉट प्लस लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री इक्वल्स टू वन होनी चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे जो दूसरी कंस्टेंट होगी, अब मेरे पास आ गई लेमडा वन प्लस लेमडा नॉट प्लस लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री इक्वल्स टू वन, तो ये हो गई मेरे पास। तो अब इसको मुझे ये अभी सिंपल ये सारे लीनियर टर्म्स आ गए, अभी सिंपलेक्स का क्वेश्चन हो गया, इसको सिंपली सॉल्व करनी है। तो सिंपलेक्स में हम क्या करते थे कि बेसिक वेरिएबल और टेबल बनानी पड़ेगी अब, तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल लिखते थे जो कि इस केस में एस वन है और लेमडा वन है, लेमडा वन क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा, वैसे अच्छा अब आपको भी पता चल जाएगा, और यहाँ पे एंड में क्या आ जाएगी, जी आ जाएगी। अच्छा और यहाँ पे वाई लेमडा नॉट लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री और एंड में एस वन, और यहाँ पे राइट एंड वैल्यू, तो जो पहली वैल्यू है वाई की, जो फर्स्ट कंस्टेंट है उसमें वाई की वैल्यू कोफिशिएंट वन है, लेमडा नॉट की जीरो है, लेमडा वन की टू है, लेमडा टू की थ्री है, लेमडा थ्री की फाइव है, और इसकी भी वन है, राइट हैंड साइड पे भी वन आ रही है। अच्छा यहाँ पे लेमडा वन है लेमडा नॉट। अच्छा तो यहाँ पे कोफिशिएंट अब वाई की क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन 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 वन, तीनों के कोफिशिएंट, चारों के कोफिशिएंट वन है, यहाँ पे ये जीरो है और राइट हैंड साइड पे वन है। अच्छा ये जी हम कैसे निकाल देते हैं, ये आप लोगों को याद हो के ये हम कैसे निकालते थे, ये जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे सारे जो नॉन कॉन्स्टेंट थे उनको एक साइड पे रख के
एक साइड पे सिर्फ कांस्टेंट रखते थे, तो यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, कांस्टेंट साइड जीरो है, बाकी सारे वेरिएबल जी की तरफ जब लेके जाएंगे तो जी माइनस ये सारी टर्म्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे जो कॉफिशियंट होंगे वो सारे इनकी साइन चेंज हो जाएगी, तो वाई इसमें 1 है और जो लेमडा नाट तो इसमें 0 है और लेमडा 1, अच्छा वाई 1 नहीं माइनस 1 है क्योंकि साइन अभी सारों की चेंज हो गई ना, और लेमडा 1 का कोफिशिएंट -4, लेमडा 2 का -9, लेमडा 3 का -25, S1 इसमें ए ही नहीं, राइट हैंड साइड पे 0, तो ये हो गई, ये हमारे पास अब प्रॉब्लम हो गया अभी इसको सॉल्व करने। तो इसमें आप लोगों को याद हो कि क्या करते थे इसमें, इस मेथड में सिंपलेस में ये जो -25 है इस पे हम पिवटिंग करते थे। अच्छा यहाँ पे भी एक बार जैसे क्वाड्रेटिक में एक वो कम्प्लीमेंट्री स्लेकनेस को ध्यान में रखनी थी, यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि अब जब भी पिवटिंग करेंगे जो लेमडाज होंगे वो एडजेसेंट होने चाहिए, जैसे अगर लेमडा नॉट ऑलरेडी है और दूसरी कोई वेरिएबल रिप्लेस हो रहा है लेमडा दूसरी लेमडा से, तो लेमडा नॉट और लेमडा 1 ये दोनों साथ आ सकते हैं, लेमडा 1 लेमडा 2 साथ आ सकते हैं, लेमडा 2 लेमडा 3 ये एडजेसेंट है ना तो ये आ सकते हैं, लेकिन लेमडा नॉट और लेमडा 2 ये एक साथ बेसिक वेरिएबल कभी नहीं हो सकते, तो ये चीजें बस ध्यान में रखनी पड़ेगी, बाकी मेथड वही सिंपलेक्स मेथड है। अच्छा तो यहाँ पे -25 है, तो अगर मैं ये कॉलम चूज कर लूँ तो एक कॉलम चूज करने के बाद जो रेशियोज में निकालूंगा तो यहाँ पे 7/5 और यहाँ पे 1/1, यहाँ पे 0/, अच्छा ये तो करेंगे ही नहीं, तो ये 1 आ रहा है और ये 1 point something आ रहा है, तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है, 1 है, तो मतलब पिवटिंग मुझे कहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो जब मैं इस पे पिवटिंग करूँगा तो ये जो, अच्छा देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे पिवटिंग करूँ तो लेमडा नाट की जगह क्या आ जाएगा, लेमडा 3 आ जाएगा, अब लेमडा 3 का इसके साथ कंट्राडिक्शन नहीं आएगा, इसके साथ ये दूसरी वाली है नहीं आ रहा है, तो मतलब ये वाली पिवटिंग मैं कर सकता हूँ, तो S1 अब यहाँ पे लेमडा 3 होगा तो यहाँ पे जी आ जाएगी, अच्छा तो सेकेंड ये तो सेम रहेगा 0, ये 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 ही रहेगी, ये 1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगी, ये 1, अच्छा इसके बाद ऊपर ये जो 1 है इसके ऊपर ये 5 को 0 करना है, इसका मतलब इस रो को 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर माइनस करनी है, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे -5 आ जाएगी और यहाँ पे -3 आ जाएगी, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगी और यहाँ पे 1, ये आ जाएगी 2, सही है, और नीचे अब जी वाली रो में 25 से मल्टीप्लाई करके लास्ट रो में ऐड करनी है, तो ये -1 ही रहेगा और यहाँ पे 25 आ जाएगी और यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, ये 25, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है ये -1 है, तो अगर मैं रेशोज अब निकाल लूँ तो 2/1 ये 2 ही रहेगी, 1/1 तो ये ले नहीं सकते, तो मतलब यहाँ पे मुझे अब पिवटिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे पिवटिंग करूँ क्योंकि कोई कंट्राडिक्शन आएगा नहीं आएगा वो चेक करनी पड़ेगी, तो पहला वेरिएबल क्या था, वाई था, तो वाई यहाँ पे तो वाई आने से कोई कंट्राडिक्शन नहीं आएगी क्योंकि वाई किसी के साथ एडजेसेंट वाली वो कंडीशन नहीं होती, लेमडा के साथ सिर्फ होती है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे लेमडा 3 आ जाएगी, यहाँ पे जी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 -5 -3 -2 0 1 2, ये तो रो चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, 1 1 1 1 0 1,
लास्ट चेंज होगी, यहाँ पे माइनस वन की जगह आपके आ जाएगा जीरो। अब ऐड कर रहे हैं इन दो रोज, तो यहाँ पे आ जाएगी 20 और यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे भी 18 आ जाएगा। अच्छा एटीन सॉरी, ये आ जाएगी 14, 16 माइनस 2 14 आ जाएगी। यहाँ पे 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो अब कोई वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाती है कि वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और लेमडा 3 की वैल्यू 1 है। तो वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और एक्स में हमारे पास इक्वल किसका है, 0 टाइम्स लेमडा नॉट प्लस, अच्छा दोबारा, 2 टाइम्स लेमडा 1 प्लस 3 टाइम्स लेमडा 2 प्लस लास्ट वाली 5 टाइम्स लेमडा 3 थी। तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज यहाँ पे याद रखनी, जब भी यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में एक से ज्यादा लिमडा आ रहे हो जो कि एडजेसेंट हो, तो उनका सम यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है उनका सम 1 ही होनी चाहिए। तो इस केस में हमारे पास एक ही है लिमडा 3, तो लिमडा 3 की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि तो बाकी सारे नॉन बेसिक हैं, तो बाकी सारे 0 हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स किसके इक्वल होगी, ये तो 0 हो गए, प्लस लिमडा 1 0 है, प्लस लिमडा 2 0 है, प्लस 5 टाइम्स लिमडा 3 की वैल्यू 1, ये हो गई 5। तो इसका मतलब पॉइंट हमारे पास क्या होगी, 5 टाइम्स सॉरी 5 इंटू 2, तो ये वाली जो पॉइंट हो गई ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन पॉइंट हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको जो मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसमें भी हो सकती है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखें, 5 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो ये 25 प्लस 2 जो के 27। अगर ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 27 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे एक वेरिफिकेशन तो हो गई, लेकिन यही क्या मैक्सिमम है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए कंफर्म अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए ये भी यूज कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसके इक्वल है, और कर सकते हो या नहीं, मेरे ख्याल में वो यूज नहीं कर सकते, शायद यहाँ पे कोई इक्वालिटी की होती शायद यूज कर सकते थे। सही है, तो मेरे ख्याल डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते। वैसे एक बात तो बताए कि वाई की वैल्यू 0 टू 3 तक है और एक्स की वैल्यू 0 टू 5 तक है, तो 5 स्क्वायर टर्म में, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर 5 ले लूँ तो मैक्सिमम मिल सकती है। अगर एक्स की वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो वाई की वैल्यू 3 ले लूँ तो 8 हो जाएगा, लेकिन इक्वल टू 7 वाली कंडीशन वो नहीं होगी, तो वाई की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ से भी थोड़ी वो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, वेरिफिकेशन थोड़ी हो जाती है, लेकिन डायरेक्टली उस तरह नहीं हो सकता, यहाँ पे इक्वालिटी की कोई वो नहीं थी। तो ये आंसर हो गया यहाँ पे कि सेपरेबल वाले क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बाउंड्रीज गिवन थी, अभी एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको बाउंड्री पता नहीं होगी, बाउंड्री आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो उस टाइप की प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये है, और मेरे पास जो कंस्टेंट है, अच्छा ये मैक्स का जो कंस्टेंट है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, ये सही है, और यहाँ पे दूसरी एक कंस्टेंट ले रहे हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अच्छा यहाँ पे हम एक इक्वेलिटी की भी कंस्टेंट ले रहे हैं साथ साथ, तो ये एक मिक्सचर मिक्सचर हो गया। तो ये आप लोगों के लिए शायद नए हो, क्योंकि सर ने अपने लेक्चर में भी दो वेरिएबल दो इनइक्वेलिटी के साथ नहीं कराया था, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो कहा था पहला, अच्छा यहाँ पे मैंने एक और नहीं लिखी, एक्स और वाई दोनों के ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें बाउंड्रीज निकालनी पड़ती हैं, तो बाउंड्रीज यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस टू, सही है, और एक्स की वैल्यू में अगर यहाँ पे पुट कर दूँ फर्स्ट कंस्ट्रेंट में, तो वाई प्लस टू लेस देन इक्वल प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 है, और इससे क्या मुझे मिल जाता है कि 2y लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ से हो जाएगी वाई लेस देन इक्वल टू सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये 10 नहीं होगी, ये 8 रहेगी,
यहाँ पे फोर हो जाएगा, हमें पता है कि वाई किससे ग्रेटर है, जीरो से। तो ये एक आ गया हमारे पास। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू डिपेंड करता है वाई पे, तो यहाँ पे वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू फोर। तो यहाँ पे टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स, तो ये एक्स की बाउंड्रीज हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर इनकेस ये वाली कंडीशन नहीं होती, इक्वलिटी की नहीं होती, सिर्फ ये होता, तो आप क्वेश्चन को इस तरह करते, तो जब ये इनइक्वलिटी सिर्फ होती तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाती, और वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 10 हो जाती। तो वाई की जो एक्स की जो बाउंड्री होती 0 to 10, और वाई की भी 0 to 10 हो जाती। लेकिन इस कंडीशन की वजह से चेंजेस हो रही है कि एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है, क्योंकि अगर 2 से नीचे अगर मैं 1 भी कर दूं यहाँ पे, तो 1 माइनस एनी पॉजिटिव वैल्यू कभी 2 नहीं आ सकता। तो इसलिए एक्स की बाउंड्री ये हो गई और वाई की बाउंड्री ये हो गई। तो ये बाउंड्रीज हमें मिल गया, हमें सबसे पहला जो काम करना था वो हमसे हो गई। अब इसके बाद जो दूसरा था, आपको इंटरवल डिवाइड करने थे, इंटरवल बनानी थी। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे मैं तीन ही वो लेना, तीन इंटरवल में इसको डिवाइड करना, क्योंकि जो एक्स है इसकी वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, तो 2 2 का गैप लेके ये 4 हो जाएगी, यहाँ पे 6, और जो एक्स स्क्वायर है। अच्छा, मुझे लीनियराइज किसको करनी है, एक्स और वाई दोनों यहाँ पे नॉन लीनियर हैं, तो दोनों को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगी 4, ये 16, ये 36, वाई को भी अलग से करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट म्यू वन म्यू टू, तो वाई की मिनिमम वैल्यू 0, इसमें 2 2 का गैप लेके, क्योंकि तो यहाँ पे तो इजीली गैप में हो रहा था, तो यहाँ पे मैं इक्वल स्पेस ले रहा हूँ, वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल नहीं हो रहा था, तो मैंने दूसरी ले ली थी, जब वो तो आप यही ले लें सिंपलिसिटी के लिए। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगी, 0 4 और 16। अच्छा, तो यहाँ से मेरे पास जो एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 लेमडा नॉट प्लस 4 लेमडा 1 प्लस 6 लेमडा, ये 2 है, लेमडा 2। और जो वाई है, 0 टाइम्स म्यू 1 प्लस 2 टाइम्स म्यू 2 प्लस 4 टाइम्स म्यू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे म्यू 1 है। और एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है, 4 टाइम्स लेमडा 0 प्लस 16 टाइम्स लेमडा 1 प्लस 36 टाइम्स लेमडा 2। और यहाँ पे वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगी 0 टाइम्स म्यू 0 प्लस 4 टाइम्स म्यू 1 प्लस 16 टाइम्स म्यू 2। अच्छा, अब इसके बाद अब पूरे प्रॉब्लम को अभी हम दोबारा लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ऑब्जेक्टिव थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो मैक्स अब हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 लेमडा 0 प्लस 16 लेमडा 1 प्लस 36 लेमडा 2 प्लस 0 म्यू 0 प्लस 4 म्यू 1 प्लस 16 म्यू 2। और जो हमारे पास कंस्टेंट है वो पहला क्या था, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो एक्स मेरे पास है 2 लेमडा 0 प्लस 4 लेमडा 1 प्लस 6 लेमडा 2 प्लस जो वाई है 0 म्यू 0 प्लस 2 म्यू 1 प्लस 4 म्यू 2। तो ये लेस देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये लेस देन इक्वल टू क्या है, 10 है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको स्लैक ऐड करके इक्वल के इक्वल करना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वाली कंडीशन थी वो, तो एक्स तो यही सेम ही रहेगा, बाद माइनस
म्यू नॉट माइनस टू टाइम म्यू वन माइनस फोर टाइम म्यू टू और यहाँ पे इक्वल्स टू टू। इसके बाद दो और कंडीशन होंगी, लेमडा नॉट प्लस लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस, अच्छा ये लेमडा टू तक ही है, इक्वल्स टू वन, म्यू नॉट प्लस म्यू टू प्लस म्यू वन प्लस म्यू टू इक्वल्स टू वन। अच्छा ये मेरे पास एक पूरा एक लीनियर इक्वेशन लीनियर सिस्टम आ गया, अब इसको सिंपलेक्स मेथड यूज करके सॉल्व करनी है। और यहाँ पे भी बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि एडजेसेंट वो ना एडजेसेंट वो आ जाएं, बाकी जो एडजेसेंट नहीं है वो लेमडा या म्यूज ना आ जाए। तो इसको फॉर्म में लिख लेते हैं, मैं टेबलो के फॉर्म में। तो यहाँ पे एस वन पहले कंस्टेंट में, एस वन फ्री वेरिएबल है, दूसरे में अभी हम पता नहीं है। तो क्या करते थे आप लोगों को याद हो, क्वेश्चन मार्क, तीसरे में भी क्वेश्चन मार्क, तो ये लास्ट वाले में वैसे क्वेश्चन मार्क ही होगी, लेकिन मैं यहाँ पे म्यू नॉट लिख रहा हूँ, ये आपको अभी टेबल बनाने के बाद पता लग जाएगी क्यों है म्यू नॉट। चलो अभी इसको क्वेश्चन मार्क ही लिख लेता हूँ। और ये बेसिक वेरिएबल, और यहाँ पे जो वेरिएबल थे लेमडा नॉट लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री, और यहाँ पे म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू वन म्यू टू, यहाँ पे इस वन। अच्छा पहले कंस्टेंट में जो कोफिशिएंट्स थे ये टू था, यहाँ पे फोर थी, यहाँ पे सिक्स जीरो, यहाँ पे लैम्डा थ्री नहीं है, लैम्डा थ्री नहीं है, तो सारी दोबारा लिख लेता हूँ। म्यू नॉट म्यू वन म्यू टू एस वन, तो यहाँ पे ये हो गई जीरो, और यहाँ पे ये टू फोर, यहाँ पे वन थी, और यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू यहाँ पे टेन था। और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें टू फोर सिक्स जीरो, ये बाकी नेगेटिव में थे, माइनस टू माइनस फोर, अच्छा ये तो था ही नहीं, जीरो, और यहाँ पे इक्वल्स टू टू थी। और जो इसमें लिमडा सारे वन थे और ये सारे जीरो, और यहाँ पे वन, जीरो 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 वन 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 जीरो जीरो। अच्छा मैं यहाँ पे म्यू नॉट इसलिए लिखना चाह रहा था, अगर आप म्यू नॉट के कॉलम को देखें तो ये बेसिक ही है, अगर ना भी होता तो हमें सबसे पहले पिवटिंग ये एक पिवटिंग करनी पड़ती, यहाँ पे ऑलरेडी म्यू नॉट आ जाता, तो इसलिए जब भी इस तरह की कोई केस हो, क्योंकि इस केस में तो लेमडा की वैल्यू टू से स्टार्ट हो रही थी, अगर इनकेस लेमडा नॉट की वैल्यू जो इंटरवल बन रहा था जीरो टू अगर कोई होता तो ये वाली कॉलम भी एक ही वन होती, बाकी सारे जीरो होते, तो एक ही जगह पे यहाँ पे राइट हैंड साइड बेसिक वेरिएबल में, तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिक वेरिएबल में यहाँ पे लेमडा नॉट ऑलरेडी पहले से हम लिख चुके होते, लेकिन चूंकि ये शुरू नहीं हो रही थी जीरो से इंटरवल, तो इसलिए इसमें थोड़ा काम करके फिर यहाँ पे लेमडा नॉट आ सकता। अच्छा तो ये हमारे पास टेबलो आ गई, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा कि अच्छा मैंने यहाँ पे जीरो ले, ये जीरो नहीं है, अब ये वन है। तो जब भी टेबलो में क्वेश्चन मार्क आता था तो आप जो पहला काम होता था उसमें आप क्या करते थे कि आप क्वेश्चन मार्क को रिमूव करते थे, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क जब सारे रिमूव हो गए थे तो फिर आप स्टैंडर्ड जो मेथड था उसको फॉलो करते। अच्छा मैंने ये लास्ट वाली कॉलम मिस की हुई है जी की, तो जी की लिख लेता हूँ, तो जी भी उसी तरह ही आएगा, सारे वेरिएबल्स को जी की तरफ ले जाके जो कोएफिशिएंट जो भी जी फंक्शन बनी है उसमें सारे कोएफिशिएंट को नेगेटिव करके लिखते हैं, माइनस फोर माइनस सिक्सटीन माइनस थर्टी सिक्स, यहाँ पे ज़ीरो माइनस फोर, और यहाँ पे माइनस सिक्सटीन, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो। तो
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मतलब इन दोनों में से ही किसी में मुझे प्यूटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं पहले नीचे वाले इसमें में चलूँ तो यहाँ पे इस पे भी कर सकता हूँ, इस पे भी कर सकता हूँ, इस पे भी कर सकता हूँ, तो किसी एक पे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिमिटेड नाट को ले आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इस वन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लेने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फिर उसको डील करते हैं। लिम्डा नाट और यहाँ पे जी, चलो इसको थोड़ा नीचे निकले। एस वन, और जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे लिमडा नाट आने वाला है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं, अच्छा ये वेरिएबल मैंने ऊपर लिख लिए थे, लिख लिए थे या नहीं, लिख लिया मैंने, दोबारा नहीं लिख रहा। अच्छा, मैं यहाँ पे जो फर्स्ट आइटरेशन होने के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो लिख रहा हूँ, 0, 2, 4, और फिर 0, 2, 4, 1, और यहाँ पे 8 आ रही है। और जो क्वेश्चन मार्क वाली लाइन है वहाँ पे 0, 2, 4, और यहाँ पे 0, -2, -4, यहाँ पे 0, 0। और जो लेमडा ना तो सेम ही रहेगी जो पहले थी, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, यहाँ पे 1। और जो जी वाली होती उसमें जो चेंजेस होंगे, 0, -12, -32, और यहाँ पे 0, -4 और -16, 0, यहाँ पे आ रहा है 4। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे उठे मुझे एस्ट्रोनॉमी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कॉलम कौन सा चूज करना, तो यहाँ पे मैं लिख लेते हैं लेमडा नॉट, लेमडा वन, लेमडा टू, म्यू नॉट, म्यू वन, म्यू टू, और ये एस वन। अच्छा, तो इसमें ये तो मैं कर नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, लेमडा टू पे नहीं कर सकते क्योंकि लेमडा और नॉट है, तो ये एडजेसेंट वाली कंडीशन वो वॉलेट हो जाएगी, यहाँ पे नहीं कर सकता। और यहाँ पे तो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे पूरे 0 क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे 5 रोज है, मैंने 1 रो मिस की हुई। म्यू नॉट था ना? म्यू नॉट की, म्यू नॉट वाली रो मैंने स्किप कर दी, सॉरी। अभी यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ म्यू नॉट, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0, ये सारे 0 थे और म्यूज के सारे नीचे 1 थे, और यहाँ एस वाली 0 थी और यहाँ पे भी 1 था। सही है, थैंक यू। और अब हमें करना क्या था, यहाँ पे 4, यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे ये कंट्रडिक्शन आ जाती, लेमडा नॉट और लेमडा टू आ जाते तो एडजेसेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। म्यू को नहीं कर सकते, ऑलरेडी बेसिक वेरिएबल है, और म्यू वन को कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इस पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं और कहीं पे भी नहीं कर सकते, तो आपकी चॉइस है, कोई सा भी कर ले। तो मैं यहाँ पे इस टू पे कर रहा हूँ, यहाँ पे प्यूटिंग कर रहा हूँ। अरे सॉरी, मैंने रो गलत चूज कर ली, नीचे वाली टू क्वेश्चन मार्क वाली रो। अच्छा, तो इस पे प्यूटिंग करने के बाद जो मेरे पास बेसिक वेरिएबल एस है, S1, और इसके बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेमडा वन आ जाएगी, और इसके नीचे लेमडा नाट, और यहाँ पे म्यू नाट, और यहाँ पे जी आ जाएगी, और यहाँ पे लेमडा नाट, लेमडा वन, लेमडा टू, म्यू नाट, म्यू वन, म्यू टू, एस और राइट एंड वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास जो नई टेबलो आ रही है वो मेरे पास आ रही है 0, 0, ये 0 हो गए, और यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रही है, फिर 1 आ रहा है,
यहाँ पे भी एट आ रही है, लेमडा वन वाली है तो सेम ही रहेगी ऊपर वाली, 1, 2, 0, -1, -2, 0, यहाँ पे भी 0, जो लेमडा नाट वाली जो रो है 1, 0, सिंपल कंप्यूटेशन है यहाँ पे, आप लोग पे वेरीफाई कर लें, 0, 1, 2, 0, 1, और जो म्यू नाट वाली जो रो थी वो तो सेम ही रहेगा, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, और जो लास्ट वाली रो है 0, -12, -30, सॉरी यहाँ पे 0, और 0 के बाद सेकेंड एलिमेंट भी 0 है क्योंकि यहाँ पे पिवटिंग कर दी मैंने, -8, यहाँ पे 0, -16, -32, 0, 4। अच्छा यहाँ पे एक बात आप देखते जाएं, अगर ये चीज यहाँ पे जो लेमडा नाट और ये लेमडा वन है, इन दोनों के वैल्यूज को बार बार कंपेयर करते जाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, इनका सम हमेशा 1 ही होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आप टेबलो पे काम कर रहे हैं, कहीं यहाँ पे इनका सम कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा, तो मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की होगी, तो इनका सम हमेशा 1, 1 आना चाहिए, तो इस केस में भी 1 ही आ रही है, और जो म्यूज का है उनका भी 1 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ म्यू नाट है, म्यू नाट की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये ना 1 से नीचे ना ऊपर 1 ही आनी चाहिए इनका सम, एक ही आ रहा है तो 1 ही होगा, एक से ज्यादा है तो फिर उनका सम 1 आना चाहिए, तो ये चीज आप देख सकते हैं टेबलो में कि आप मिस्टेक कहीं पे नहीं कर रहे। अच्छा यहाँ पे आ गए, अब यूजुअल मेथड चलेगा, अब जैसे आप करके आ रहे थे कि नेगेटिव आईएस नेगेटिव नंबर को देखेंगे, तो यहाँ पे -32 है, तो -32 चूज करने के बाद यहाँ पे आप रेशियोज निकालेंगे, फिर तो 8 डिवाइडेड बाई 8 ये 1 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई ये 0 आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 ये 1 ही आ जाएगी, सॉरी ये 1/2 आ जाएगा, सही। अच्छा तो इसमें से मिनिमम मिनिमम तो ये इसके मतलब हमें यहाँ पे वो करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कोई कंट्रडिक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, कंट्रडिक्शन आ रही है ना, यहाँ पे ये म्यू 2 है और यहाँ पे म्यू नॉट है, ये एडजेसेंट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 2 पे पिवोटिंग नहीं कर सकते, तो 2 पे जब नहीं कर सकते तो अब कहाँ पे करनी पड़ेगी, तो इसके बाद फिर यहाँ पे अब फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि दो ऑप्शन ही रहते हैं, फर्स्ट ये 8 पे कर सकते हो या 1 पे कर सकते हो, अगर 8 पे कर लो फिर भी कंट्रडिक्शन आएगा, म्यू 2 और म्यू नॉट एक साथ आ जाएंगे, सिर्फ ये 1 ही एक पॉसिबल है जहाँ पे कोई कंट्रडिक्शन नहीं आएगा एडजेसेंट वाले, तो यहाँ पे पिवटिंग करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ सारे, S1 है और अच्छा S1 वेरिएबल था और lambda 1 और यहाँ पे इसके बाद lambda नाट थी और यहाँ पे म्यू नाट की जगह अब क्या आ गई, म्यू 2 और एंड में जी, और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल पहला है lambda नाट, lambda 1, lambda 2 और म्यू नाट, म्यू 1, म्यू 2 और यहाँ पे लास्ट में S1 और यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ, ये इटरेशन करने के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं 0 आ रही है, यहाँ पे भी 0 आ रही है, सॉरी ये शो हो रहा है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे -8 और यहाँ पे -4, 0, 1 और यहाँ राइट एंड वैल्यू भी 0 है, और जो लेमडा 1 वाली रो है यहाँ पे 0, 1, 2 और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रही है और यहाँ पे 0, 0 यहाँ पे 2 और लेमडा नाट यहाँ पे 1, 0, -1, -2, -1 और यहाँ पे भी 0, 0
ए वन आर, और इसके बाद म्यू टू वाली जो रो है 0 0 0 1 1 1 0 1, और लास्ट जो जी वाली है 0 0 -8, यहाँ पे 32, और यहाँ पे 16 0 0 36। अच्छा ये पिवटिंग आ गई म्यू टू की। अब इसके बाद जो आई एस नेगेटिव नंबर या -8 है, तो -8 वाली कॉलम को जब चूज करेंगे तो रेशोज हमारे पास जो आ रही है वो मैं लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट में जो रेशो आ रही है वो 0/0, ये नहीं ले सकते, 2/1 ये 2 ही आएगा, सो 2/2 ये 1 आएगा, और 1/-1 ये नेगेटिव आएगा, 1/0 ये ले नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि पिवट हमें कहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे, सॉरी से कॉलम गलत ले लें, दोबारा देख लेते हैं। तो 0 से यहाँ पे तो 0/0 2/2 ये 1 आ रहा था, और यहाँ पे नेगेटिव आ रही थी, यहाँ पे नहीं आ रहा था, हाँ सही है। तो यहाँ पे पिवटिंग हमारी यहाँ पे होगी, यहाँ पे देखने कोई कंट्रडिक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। जब हम यहाँ पे पिवटिंग करेंगे तो यहाँ पे लेमडा 1 की जगह लेमडा 2 रिप्लेस हो जाएगी, लेमडा नॉट और लेमडा 2 आ जाएंगे, तो फिर कोई कंट्रडिक्शन आ रही है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, सॉरी यहाँ पे -1 तो ये भी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे नहीं कर सकते थे, और दूसरी पेर यहाँ पे अप करनी पड़ेगी, रेशो इनका भी इसका भी 1 है। अगर यहाँ पे करेंगे तो कोई कंट्रोडिक्शन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि लेमडा नॉट लेमडा 2 से रिप्लेस हो जाएगी, और लेमडा 2 और लेमडा 1 एडजेसेंट होंगे, तो यहाँ पे ये हम कर सकते हैं, ये वाली पिवटिंग कर लेते हैं। इस लेमडा 1 लेमडा नॉट अब रिप्लेस हो जाएगी लेमडा 2 से, और यहाँ पे म्यू 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जी, यहाँ पे लेमडा नॉट लेमडा 1 लेमडा 2 लेम अच्छा म्यू नॉट म्यू 2 म्यू 1 म्यू 2 यहाँ पे एस और राइट हैंड वैल्यू। अच्छा अब यहाँ पे 0 आ रही है मेरे पास, डब्ल्यू में जो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे -8 पे -4 और 0 1, राइट हैंड वैल्यू भी 0 आ रही है। अच्छा और लेमडाज वो लेमडा 1 2 आ रही है यहाँ पे, 1 0 -2 -1 0 0 यहाँ पे 1 आ रही। एक मिनट, ये भी यहाँ पे 0 ही आ रही, सही है। इसके बाद लेमडा 2 यहाँ पे -1 आ जाएगी, 0 यहाँ पे 1 2 1 0 0 और यहाँ पे 1 आ रही। सही है। अच्छा इसके बाद म्यू 2 वाली जो रो है वहाँ पे 0 0 0 पे 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 आ गई, और जी वाली जो रो है यहाँ पे -8 और 0 0 और यहाँ पे 40 आ रही है, यहाँ पे 24 आ रहा है, 0 आ रही है, 0 आ रही है, तो 44 आ रहा है। और अच्छा यहाँ से हो गई, यहाँ तक हो गया। अच्छा तो अब नेक्स्ट यहाँ पे -8 आ रहा है, तो ये हमारी पिवटिंग कॉलम होनी चाहिए, यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं। तो 0/ ये 0 हो जाएगी, नहीं ले सकते, 0/2 ये 0 हो जाएगा, 1/-1 नेगेटिव नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, 1/0 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लूँगा पिवट तो यहाँ पे लेमडा 2 और लेमडा नॉट आ जाएंगे, तो फिर से एडजेसेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये बेसिकली ये हमारा ऑप्टिमल टेबलो नहीं है, लेकिन ये हमारा अप्रोक्सीमेट टेबल है। तो ये जो मेथड है सेपरेबल में, इसमें अप्रोक्सीमेशन मिलती है, तो ये हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्सीमेट टेबलो आ गई हमारे पास, तो यहाँ से बेसिकली हमें वैल्यूज मिल जाएंगी एक्स और वाई की। जो सिंपलेक्स मेथड थी वहाँ पे तो लास्ट में सारी जगह पॉजिटिव ही आने चाहिए थे तभी हम स्टॉप करते, लेकिन सेपरेबल में ये हो सकता है कि यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती। तो यहाँ पे तो मेरे पास लेमडा वन की वैल्यू मेरे पास आ गई, लेमडा वन की वैल्यू है जीरो है, और लेमडा टू की वैल्यू वन आ रही है, लेमडा नॉट भी जीरो है ऑब्वियसली, और म्यू नॉट की वैल्यू भी जीरो है, म्यू टू की वैल्यू सिर्फ वन है, बाकी म्यू वन भी जीरो है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू वैसे इक्वल किसकी होती है, जीरो टाइम्स सॉरी टू टाइम्स लेमडा वन प्लस फोर टाइम्स लेमडा टू, सो ये लेमडा नॉट ये लेमडा वन है, प्लस सिक्स टाइम्स लेमडा टू। और जो वाई की वैल्यू थी वो इक्वल किसके थी, ये इक्वल थी जीरो टाइम्स लेमडा नॉट प्लस फोर टाइम्स लेमडा टू टाइम्स लेमडा वन प्लस फोर टाइम्स लेमडा टू। तो लेमडा की सॉरी ये म्यूज सारे ठीक पता नहीं क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू तो यहाँ पे आ जाएगा फोर सॉरी फोर नहीं सिक्स आ जाएगी, सिक्स यहाँ पे आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ म्यू टू वन है तो यहाँ पे फोर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया x इक्वल टू, ये जो पॉइंट है हमारे पास सिक्स कामा फोर, और फंक्शन ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें जब पुट करेंगे तो 36 प्लस 16 जो कि इक्वल आ रही है टू 5, तो ये 52 फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अच्छा आप इसको जो मैंने मेथड बताया था उससे भी अटेम्प्ट करके देखते हैं, शायद मेरे ख्याल में होगा, इसमें इक्वालिटी वाली कंडीशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसके लिए वेरीफाई करने के लिए, ये क्वेश्चन में मैंडेटरी नहीं है, ये वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ, जो सारे क्वेश्चन में करता आ रहा हूँ ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है, ये मैं वेरिफिकेशन के लिए सिंपली कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर वेरीफाई हो सकते तो वेरीफाई कर रहा हूँ मैं। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 थी, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अच्छा अगर यहाँ पे एक्स को मैं ले लूँ वाई प्लस 2, और यहाँ से मेरे पास जो वाई की कंडीशन आई थी 0 टू 4 आ गई थी, तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वैल्यूज पुट कर लूँ वाई प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये पूरा वाई का एक फंक्शन बन गया। अब वाई की मैक्सिमम वैल्यू 4 है मेरे पास, ये वाई की रेंज है, या आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि वाई की कौन सी वैल्यू इस रेंज में देख के यहाँ पे पुट कर लो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, वो कौन सी वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी ऑब्वियसली, तो वाई की वैल्यू 4 ही पुट कर दूँ तभी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है इस डोमेन में। तो जब 4 पुट करूंगा तो यहाँ पे 4 प्लस 2 जो कि हो जाएगी, और यहाँ पे 4 स्क्वायर तो हो जाएगी 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि वही वैल्यू आएगी 52 जो हमने निकाली थी। और यहाँ से फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर y की वैल्यू मेरे पास है 4 तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y प्लस 2 जो कि 6 है। तो यहाँ पे बगैर इस पूरे सिंपलेक्स मेथड से यहाँ से भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन में आप इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, इन सारों में नहीं कर सकते, तो ये एक सिंपल सी वेरीफिकेशन हो गई। तो ये सेपरेबल के कुछ प्रॉब्लम्स थे, और ये भी मेरा लास्ट ट्यूटोरियल है इस सेमेस्टर का, इस कोर्स का, और ये जो फाइनल एग्जाम आएगा वो सर ने अभी तक अनाउंस नहीं की हुई है, लेकिन सर अभी करेंगे कि फाइनल का जो 40% होगा एनी दो टॉपिक से होगा, मतलब जो 5 क्वेश्चंस होंगे उनके जो लास्ट क्वेश्चन 2 होंगे, एक क्वेश्चन पूरा आ जाएगा क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग से और एक पूरा क्वेश्चन आ जाएगा सेपरेबल्स, और बाकी जो 3 क्वेश्चन होंगे वो एन दो टॉपिक से पहले जो थे उनमें से आएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर खत्म करता हूँ अपना ट्यूटोरियल।